हेलो गाइस, मैं मनीष सोनी, मैं भजनपुरा से आया हूँ अपनी आंखों के टेस्ट के लिए। और मैं काफ़ी टाइम से परेशान था चश्मे के लिए, बहुत दिक्कत होती थी। 15 साल से मैं चश्मा यूज़ कर रहा हूँ। पहले मेरी आंखों का -1.5 नंबर था स्पेरिकल का, अब लेकिन उसके बाद डे बाय डे ऐसे मेरा नंबर इंक्रीमेंट होता गया तो मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगने लगा, बहुत परेशानी होने लगी बिना चश्मों के। मेरा राइट वाली आई इसका -3.5 एंड लेफ्ट वाली आई इसका -3.75। चश्मा मुझे पहनते हुए 15 साल हो चुके हैं, काफ़ी मतलब पहले तो -1.5 था तो इतना दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता गया तो काफ़ी परेशानी होने लगी। आजकल आप दिल्ली का वेदर भी देख रहे हैं, बारिश वगैरह इतना होना, फॉग मिस्टिंग पॉल्यूशन, जिसकी वजह से बार बार मुझे राइडिंग में दिक्कत होती थी, और रात को ड्राइविंग कर लो तो फिर और ज़्यादा परेशानी नाइट में। i7 के बारे में मुझे पता नहीं था, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था चश्मे हटवाने के लिए, और मैंने जब इनकी वीडियोस देखी, रिव्यूज़ देखे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा डॉक्टर रायल की वीडियोस देखे। मैं फिर इनको काफ़ी टाइम से फॉलोअप कर रहा था, 3-4 महीने से आई थिंक मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, और फाइनली मैं डिसीजन लिया तो मैं i7 में जाकर अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ सर्जरी से अपना चश्मा हटवाने के लिए। तीनों जगह जा चुका हूँ, तीनों का मेरा बैड एक्सपीरियंस था, तीनों में कोई भी स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं है, और बिल्कुल मतलब जो टेक्निक्स यहाँ पे हैं वो टेक्निक्स वो शायद सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उनसे अगर न्यू टेक्नोलॉजी की बात करेंगे वो आपको हमेशा पुरानी कॉन्ट्यूर है या फिर लेसिक के थ्रू ही कराएंगे, लेकिन सिल्क और वेव जो न्यू टेक्निक आई है वेव प्लस, वो उस बारे में शायद जानते भी ना हो, और वो ना उसको प्रेफर करते क्योंकि उनके पास है नहीं, वो प्रेफर कहाँ से करेंगे, क्या होगा कैसे होगा। बिल्कुल फ्रीली माइंड आप आओ, डॉक्टर साहिल सर से मिलो, आप एक बेफिक्र हो जाओगे, आप उनके ऊपर छोड़ दोगे सर आपको जैसे करना है वैसे करो। मैं एक्चुअली माइंडसेट बना के आया था सिल्क के लिए, क्योंकि अब तक मैंने जितना भी सर की वीडियो देखी उन्होंने सिल्क को काफी प्रेफर कराया सर्जरी के अंदर, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्निक थी। लेकिन अब जैसे जैसे मैं उनके पास आया, एक ब्रसिलियन से उन्होंने बोला एक न्यू टेक्निक आई है एल्कॉन की, वे प्लस उसका नाम है टेक्निक का, वो सिल्क से अपर वर्जन कह सकते हैं आप उसको। सिल्क के अंदर आपको 6x6 का विजन मिलेगा, लेकिन इस टेक्निक के अंदर आपको eyeglasses 6x5 का विजन मिलेगा, तो आई प्रेफर फॉर दिस टेक्निक। और ये टेक्निक सभी यहाँ साउथ दिल्ली और दिल्ली के अंदर मेरे को लगता है i7 के अलावा कहीं है भी नहीं। अभी मेरा तो एक्सपीरियंस इतना था कि मैं जब भी हॉस्पिटल के अंदर आया मुझे तो ऐसा लगा मैं कहीं बाहर आने वाला, कोई मेरे सारे फैमिली मेंबर टाइप के थे, क्योंकि सब बहुत कोऑपरेटिव है, हर तरीके की किसी की तरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बहुत हेल्पफुल थे सारे लोग। थोड़ा नर्वस तो देखो होता ही है अभी, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर से मिल गया हूँ, डॉक्टर राहिल सर से, उन्होंने मुझे काफ़ी काम कराया, कह रहे शांत काम डाउन हो जाओ, कुछ नहीं है, 15 मिनट्स का सारा खेल है, और 16 मिनट के जो अपर 16 मिनट आएगा उसमें मैं अपना फ्री चश्मे से। So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. And आज हम कर रहे हैं इंडिया का फर्स्ट Wavelight Plus InnovEyes प्रोसीजर, जो चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है एल्कॉन की साइड से, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D रे ट्रेसिंग का यूज़ करके पेशेंट को एक ईगल्स आई क्वालिटी विजन दे पाते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑपरेशन होता कैसे है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू मनीष, हु इज़ आर फर्स्ट पेशेंट फॉर Wavelight Plus InnovEyes। एंड नई टेक्नोलॉजी में कभी कभी पेशेंट्स को कुछ कॉन्फिडेंस कम होता है कि अभी अभी आई है तो कितनी रिलायबल है। सो आई मस्ट टेल यू कि इस टेक्नोलॉजी पे 2012 से रिसर्च चल रहा है, एंड इतने सालों बाद जब टेक्नोलॉजी पूरी तरह से परफेक्ट और रिफाइन हो गई, फिर इसको कमर्शियल यूज़ के लिए लॉन्च करा जाता है। एंड थोड़ा सा पेशेंट से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो थोड़ा सा बताओ, हाउ वाज इट? कुछ पेन हुआ, कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ, अनकंफर्टेबल कुछ लग रहा है? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, टेक्निकली पेशेंट को इतना डिफिकल्टी नहीं होता, स्मूथली होता है, बस पेशेंट को ऊपर एक लाइट को देखना होता है और हम ऊपर से लेज़र डाल देते हैं। बट ओवर एंड ऑल ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इससे हम पेशेंट का जो विजन की क्वालिटी है उसको और सुपीरियर कर पाते हैं। तो एक्चुअली अब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई है कि चश्मा हटाने के साथ साथ हमारा पर्पस होता है कि हम पेशेंट को एक नेचुरल विजन दे पाए। जैसे एक पेशेंट जिसकी आंख में 0 नंबर है, जो उसकी नज़र की क्वालिटी हो, उसी तरह की क्वालिटी हम उस पेशेंट को दे पाए जिसके हम चश्मा हटाने का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो अब नया आया है इस टेक्नोलॉजी में, 3D आईओतार से हम जो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारा यही पर्पस रहता है कि पेशेंट की क्वालिटी, पेशेंट का कंट्रास्ट, कलर्स की रिचनेस, नाइट प्रॉब्लम्स, फ्यूचर जो आंख में चेंज होगी, वो सारा कंसिडर करके हम इस तरह की ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड आई। तो मनीष, अगेन बोथ आईज ओपन एंड सामने ग्रीन लाइट पे देखते रहेंगे, ओके? शाबाश, सामने देखते रहो, दोनों आंख खोल के रखना है मनीष, ओपन करो राइट आई, वेरी गुड, बस सारा ध्यान हमारा ग्रीन लाइट पे रहना चाहिए। तो बस सेकेंड आई भी बिल्कुल परफेक्टली हमने कंप्लीट कर दिया है। मनीष, हाउ वाज इट? कुछ पेन हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, कुछ पता चला?
सो अगेन पूरा प्रोसीजर जो है वो 5 से 10 मिनट का ऑपरेशन है. एंड जैसे हमारे बाकी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स हैं, इन ऑपरेशन में कभी भी कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती. एंड नेक्स्ट दिन पेशेंट का विजन अबाउट 90-95% क्लियर हो जाता है एंड बाकी विजन जो है हफ्ता 10 दिन में सेट हो जाता है. फाइनली मेरा सर्जरी हो चुकी है वेव प्लस इनोवाइज आईज वाली, ईगल आईज से बोलते हैं कि इसका रिजल्ट आएगा इसका. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा. बाकी राहिल सर से साथ में तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, क्योंकि जब वो होते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना रिलैक्सेशन हो जाता है. नहीं, पेन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई फील नहीं हुआ मुझे. अब नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक तो मैं नॉर्मल हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. अब अभी सर्जरी हुई है तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बाकी मेरे को ऐसा कोई पेन वगैरह कुछ नहीं है. 10 to 15 minutes लगे मुझे, 10 to 15 minutes होने में बहुत ईजिली, ऐसा पता भी लगा कि कुछ हो रहा है. बस मज़ा ही आ रहा था एक तरीके से, बस वो रेस वगैरह आती है अपना हो जाता है काम, कुछ भी पता नहीं, फील नहीं होता. आज मेरा फॉलोअप था, आज डॉक्टर से मैं फॉलोअप के लिए आया हूँ. अब फॉलोअप करने के बाद देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता. फिलहाल अभी तक मुझे कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके का. बाकी जब नेक्स्ट टाइम जब मैं उठा था तो मुझे तो एकदम मिरेकल सा लगा कि मैं एक बार ऐसे करके हाथ करने लगा कि यार ये हो क्या रहा है, विदाउट स्पेक्स में देख कैसे रहा हूँ. तो काफ़ी एक्साइटमेंट था उस टाइम के लिए. अब बाकी आज फॉलोअप के बाद फाइनलाइज हो जाएगा कि कब तक स्पेक्स पहनना है मुझे वाला, देन उसके बाद और मिरेकल आएगा मेरी लाइफ में. मनीष सर प्लीज बी कंफर्टेबल. सो वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. सबसे पहले तो थैंकफुल टू मनीष सर हु हैज एग्रीड to become the first patient of Wavelight Plus InnovEyes in India. Thank you. And also thankful that sir has agreed ki hum sir ka video bana sakte hain. So isse patients ko bahut confidence milta hai nayi technology mein. Bilkul. And we are very happy, abhi pehla din hi hua hai and sir ki vision already 6.5 aa chuki hai. But like I told you ki Wavelight Plus InnovEyes mein current treatment ke saath future mein jo eyes mein changes aayenge wo bhi technology mein incorporated hai. तो अभी 2-3 महीने में ये विजन और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी एंड सर वुड हैव ईगल्स आई विजन. सो सर एवरी हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कुछ पेन हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, अभी आज कैसा लग रहा है? जब मैं उठा मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं, लास्ट डे मेरे साथ कुछ हुआ भी है. ऐसा मन करा कि वो स्पेक्स उतारूं और सब कुछ देखो, लेकिन वो था कि प्रिकॉशन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं करना था. तो डेट्स व्हाई अभी तक मैंने 3 डेट सकते हो, आज मेरा थर्ड डे है. तो स्पेक्स मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ अभी. अब आप मुझे वंडरफुल, एंड अभी थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन में विजन और इम्प्रूव होगी. और इस टेक्नोलॉजी में ना इन्होंने क्या करा है कि प्रेजेंट के साथ फ्यूचर में जो आईज में चेंजेस होंगे वो भी इनकॉर्पोरेटेड है. तो अभी आंखों की एपिथेलियल रीमॉडलिंग होगी और विजन हमारा और ज़्यादा इंप्रूव होगा. वेरी गुड, वेरी नाइस सर, एंड आई सी यू इन 1 वीक्स टाइम. हम कहाँ से आते हैं? कितना दूर है? 20 किलोमीटर्स. नो वरीज, हफ्ता 10 दिन, 7 से 10 दिन में फॉलो. ओके, ठीक है जी, वेरी नाइस सर. माई प्लेजर, माई प्लेजर, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में और अब भी बोलूँगा कि स्टाफ बहुत कॉपरेटिव है. बहुत टाइम थोड़ा वेटिंग एरिया था, टाइमिंग थोड़ा लग गया था, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी चीज़ को अगर अच्छी तरीके से करेंगे तो टाइम तो लगता ही है. बस वहाँ थोड़ा टाइम थोड़ा मुझे हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लगा था, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन, हर चीज़ ओके थी मेरे लिए. बाकी सजेस्ट मैं यही करूँगा कि अगर आपको कोई मौका लगे या फिर भी आपको भी रिलेशन में किसी को कुछ आगे सजेस्ट करना हो तो आप बेफिक्र हो गया Eye7 हॉस्पिटल डॉक्टर चौधरी के लिए आप सजेस्ट करिएगा. आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मेरी तरफ से, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. आई एम सो थैंक्सफुल टू यू ऑल ओवर स्टाफ ऑफ Eye7 डॉक्टर चौधरी हॉस्पिटल, रिसेप्शनिस्ट, स्टाफ मेंबर, कोऑपरेटिव मेंबर, जो भी हैं जितने भी यहाँ स्टाफ मेंबर हैं सब बहुत कोऑपरेटिव हैं. और डॉक्टर Rahil Chaudhary के लिए स्पेशल थैंक्स फॉर हिम. तो मैं खुद इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि किसी को अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आई से रिलेटेड तो वो बेफिक्र होकर डॉक्टर Rahil Chaudhary के पास आए Eye7 हॉस्पिटल के अंदर, जिनकी दिल्ली के अंदर 7 to 8 ब्रांचेज हैं, जिसको जो नियर बाय लगे वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकता है. थैंक्स टू यू.